महुआ नदी पर रपटाओ और सड़क स्वीकृत के लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बीच नदी में से निकलने को मजबूर। जिले की पायगा गांव और बनियानी गांव के बीच में महुआ नदी पर रपटा स्वीकृत और सड़क निर्माण की स्वीकृति के लिए आज ग्रामीणों ने एकत्रित होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि बनियानी गांव से पाए गांव के बीच महुआ नदी पड़ती है। जब बरसात में महुआ नदी भर जाती है तो नदी के बीच में से निकलने में मजबूरी हो जाती है। सड़क भी पूरी तरीके से दलदल तब्दील हो जाती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नदी पर रपटा के साथ ही सड़क निर्माण भी कराया जाए जिससे ग्रामीण आसानी से निकल सके। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह लोधी। कहाँ से आए हो? पायगा से। कौन सा ताना लगता है? मायापुर। तो क्या समस्या लेके आओ, क्या हुआ? ये बनियानी का रोड है जो पायगा से बनियानी के लिए, वहाँ पे निकलने का रास्ता नहीं है। कई आवेदन भी दे चुके हैं विधायक साहब को, सिंधिया जी को। रास्ता कैसा है, खराब हो गया? बहुत भयंकर खराब है, कीचड़ पैदल लोग भी नहीं निकल पा रहे। सरपंच वरपंच गांव का कोई सरपंच सरपंच आप ही हो? काम नहीं हो रहा वो वहाँ पे, कैसे होगा काम? कुछ वीडियो वगैरह है रास्ते का? वीडियो है। तो आप इतने दिन से रास्ता खराब है, आज ही क्यों आए? पहले भी आए थे, कई बार आ चुके हैं। कितनी बार आ चुके हो? चार पांच बार। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। कैसे निकल के जाते हो वहाँ पे? ऐसे निकल के आते हैं, कपड़े पूरे गीले हो जाते हैं, औरतें बिल्कुल जा नहीं पाती हैं, औरतें वहाँ से जा नहीं पाती, निकल नहीं पाती हैं। बच्चे लेके जाते हैं, जब ज़्यादा नदी चढ़ जाती तो हमारी औरतों को बहने का डर रहता है। कई बार हमारे बच्चे बह भी गए, हम पकड़ के लाते हैं वहाँ से, और औरतों को इतनी परेशानी होती है। वहाँ 50 परिवार रहते हैं उस मोहल्ले पे, नदी के उस पार। अगर वहाँ पे कोई अगर प्रेग्नेंट महिला आए तो हम बड़ी मुश्किलों से उसको धर के लाते हैं, गाड़ी बैलगाड़ी पे रख के लाते हैं। इतनी समस्या होती है। और ज़्यादा कोई बीमार हो जाता है तो अगर दो दिन तक नदी चढ़ी तो दो दिन तक वहीं चाहे वो मर जाए, पर वहाँ से आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नदी चढ़ जाती है, महुआ नदी है, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है तो निकलने में बहुत सारी समस्या होती है। दो तीन महीने तो अगर आटा बढ़ा गया तो भूखे चाय डलेना, लेकिन वहाँ से आने के लिए आटा भी पिसाने के लिए नहीं आ सकते। इतनी खराब वहाँ की, बहुत ज्यादा बदतर से पड़ी हुई है खराब। ये तो लगभग खराब ही है, वो तो आज तक बनी ही नहीं। बनी नहीं, कोशिश बार बार कर रहे हैं। हर बार जो विधानसभा के विधायक जाते हैं, आश्वासन दे आते हैं कि हमें वोट दो, हम तुम्हारी सड़क निर्माण करवाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सिंधिया जी, यशोधरा जी, जितने भी नेता हैं, आज तक उस किसी ने भी काम नहीं करवाया। झूठे आश्वासन दे आते हैं, इसके बाद भाग जाते हैं वोट लेके, वो बस उनका काम हुआ, हम परेशान होते रहते हैं। झूठी दिलासा देते हैं। मेरा नाम महेश जाय, ग्राम पंचायत पायगा का निवासी हूँ। मेरा वहाँ पे घर है। इतने परेशान है हम लोग कि एक हमारी महिला थी, डिलीवरी थी, इतनी बदतर स्थिति हुई कि एक डेढ़ दिन तक वो चिल्लाती रही वहाँ, क्योंकि वो उसका नदी चढ़ गई थी, डिलीवरी होना था, कैसे निकाल दे, नदी बहुत ज़्यादा चढ़ी थी। तो दो दिन तक वो परेशान होती रही, लेकिन उसकी वहीं डिलीवरी हो गई, लेकिन वो अस्पताल पहुँच ही नहीं पाई। ऐसी स्थिति है, अगर वो महिला कुछ हो जाता तो क्या करते हम, इसका जवाब कौन देता? अच्छा, और हम सालों से लगे हैं। आप जन सुनवाई में कितने बार आ चुके हैं? जन सुनवाई में तो साहब हम दूसरी बार आए, एक डेढ़ महीने पहले आए थे, उसमें हम लेट हो गए थे तो नहीं आ पाए थे, और एक आध साल पहले भी आ चुके हैं। विधायक साहब ने कई बार आ चुके हैं, सिंधिया जैन साहब, यशोधरा राजे सिंधिया जी को कई बार अवगत करा चुके हैं, उनने कुछ नहीं किया। नहीं, अभी मौजूदा विधायक देवेंद्र जैन जी हैं, आपने उनसे चर्चा करी? अगले हफ्ते आए थे उनके पास। क्या बोले? वो मिले नहीं थे, आज आए तो उनने बोल दिया कि आधा घंटे बाद हमसे मिलो, पहले जनसुनवाई में चले जाओ। अच्छा, हाँ, मतलब साफ तौर से आधा घंटे बाद की उनने। हाँ, अच्छा, आप अभी जनसुनवाई में आवेदन देंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो गाँव के क्षेत्र के ग्रामीण क्या करेंगे? हम भूख हड़ताल करेंगे, शिवपुरी में कलेक्टर के सामने बैठेंगे, और चाहे हमारा कुछ भी हो, लेकिन हम इस जिद पर अड़े रहेंगे कि हमारा काम हो, मना हम हटेंगे नहीं। अभी आए हम 50 लोग, 100 आएंगे, 150 आएंगे। अच्छा, 200 आएंगे। आवेदन पे तत्काल कार्य नहीं हुआ तो आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अभी हम कलेक्टर के सामने बैठेंगे, रास्ता जाम करेंगे। प्रशासन की होगी।